SUVs को लेके इंडियंस का क्रेज जो है वो इस कदर हो चुका है कि ऐसा नए सेगमेंट अब इंडियंस को पसंद आ रहे हैं. दिस इज द Hyundai Exter विच बिलोंग्स टू द माइक्रो SUV सेगमेंट, जहां पर टाटा पंच, मारुति सुजुकी इग्निस एंड सिट्रॉयन C3 जैसी गाड़ियां हैं. द Exter विच वी हैव टुडे विद अस इज द टॉप स्पेक वेरियंट, कनेक्ट ऑप्शनल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. नाउ ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि आपको कम्फर्ट, कन्वीनियंस एंड फ्यूल इकॉनमी चाहिए. ड्यूरिंग योर सिटी रन्स ये गाड़ी आपको कितना फ्यूल इकॉनमी देती है फ्रॉम टैंक टू टैंक मेथड वी विल लेट यू नो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. नमस्कार, माय नेम इज तेजिन एंड यू आर वॉचिंग 91 व्हील्स. इकॉनमी रन हमने स्टार्ट किया गाजियाबाद से, इनफैक्ट शिप्रांशु ने स्टार्ट किया एंड सुबह टैंक फिल करवाया गाड़ी का, ट्रिप मीटर को किया रीसेट. दिल्ली के ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए, वीकेंड का ट्रैफिक है तो थोड़ा सा मॉडरेट था. इकॉनमी जो है डिस्प्ले पे 20+ KMPL भी शो कर रही थी गाड़ी. अब AC की जरूरत पड़ रही है तो थोड़ा सा फ्यूल इकॉनमी में ड्रॉप आया है. इम्प्रेशंस जो हैं वो गाड़ी के कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इजी टू ड्राइव. स्टीयरिंग का फीडबैक टिपिकल Hyundai है, बहुत लाइट है. अर्गोनॉमिक्स गाड़ी के बिल्कुल सॉर्टेड हैं, ऑल थैंक्स टू द बेटर विजिबिलिटी, बिगर ग्लास एरिया. आपको गाड़ी का फुल डायमेंशन का आइडिया आ जाता है बहुत ईजिली. रियर व्यू मिरर्स जो हैं उनका साइज मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया बिकॉज दैट्स बिग. पीछे का व्यू जो है वो आपको मॉडरेटली अच्छा मिलता है, बट जो सी पिलर्स हैं वो थिक हैं गाड़ी के, तो शायद आपको रिवर्स करते टाइम, स्पेशली अगर बारिश हो रही है रात को किसी टाइट स्पॉट पे आप पार्क कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट साबित हो सकते हैं. फीडबैक अगर मैं बात करूं ड्राइविंग का, अपार्ट फ्रॉम द स्टीयरिंग फीडबैक जो परफॉर्मेंस है, दिस इज़ अ 1.2 लीटर सेम पेट्रोल इंजन जो आपको ग्रैंड आइटन नियोस में मिलता है. AMT 5-speed AMT, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट AMT इन दिस सेगमेंट पीरियड. आई कैन से दिस प्राउडली, दिस हैज टू बी द मोस्ट रिफाइंड AMT गेयरबॉक्स जो मैंने आज तक चलाया है. गियर शिफ्ट जो है वो बिल्कुल सीमलेस है, हल्का सा आपको जर्क फील हो सकता है लेकिन इट इज नो वेयर नियर टू वॉट यू गेट टू फील ऑन लेट्स से मारुति सुजुकी के AMT पे. सो इट्स वेरी रिफाइंड परफॉर्मेंस, मॉडरेट है. एक्सप्लोजिव परफॉर्मेंस नहीं है गाड़ी की बिकॉज टर्बोचार्ज नहीं है, बट फॉर सिटी यूजेज आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ. ब्रेक्स का फीडबैक इट्स गुड, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट पुट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में. इट फील्स अ बिट टाइट ऑन द पेडल बट ऑन द गो आपको आदत हो जाती है एंड द ब्रेक्स आर गुड. अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है. व्हाट्स नॉट सो गुड अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस? Shubhranshu, विल यू शेयर समथिंग? तो एक चीज जो मैंने नोट करी व्हाइल ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे एक जो इशू है वो है सीट को लेके. सीट की कुशनिंग इतनी अच्छी नहीं है और सीट की विड्थ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फटीग फील होने लगता है अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ड्राइव करना चाह रहे हैं. और एक चीज़, अगर आप थोड़े टॉल ड्राइवर हैं तो अंडर थाई सपोर्ट भी आपको थोड़ा कम मिलता है, उस वजह से आपके लेग्स में भी थोड़ा पेन आपको लगेगा. तो लॉन्गर ड्यूरेशन पे अगर आपको ड्राइव करना है तो वो एक इशू आप फेस कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो अर्गोनॉमिक्स हैं गाड़ी के वो काफ़ी सॉर्टेड हैं. आप इजीली हर चीज़ आपकी रीच में रहती है, चाहे वो इंफोटेनमेंट है, चाहे वो AC के कंट्रोल्स हैं या फिर आपके मिरर के कंट्रोल्स हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से कैबिन में दी गई हैं. यूटिलिटी स्पेसेस का काफ़ी ध्यान रखा गया है, यहाँ पे काफ़ी सारे यूटिलिटी स्पेसेस दिए गए हैं. बट फिर वही बात, बजट कार है तो यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है, जो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अगर होता तो और बेटर हो सकता था, थोड़ा और कंफर्ट एनहांस हो जाता वहाँ पे. बट नथिंग टू कंप्लेन, बजट सेगमेंट कार होने की वजह से आर्मरेस्ट यहाँ पे मिस किया गया होगा. ओवरऑल जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस मेरे को लगी गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी है इस सेगमेंट के हिसाब से. बाकी कंफर्ट वाइज थोड़ा और इम्प्रूवमेंट ड्राइवर सीट एंड पैसेंजर सीट पे हो सकता था. एक और चीज जहां पर Exter जो है वो थोड़ा सा मार खाती है, दैट इज द
साउंड इंसुलेशन, रोड नॉइज जो है वो काफी गाड़ी के कैबिन के अंदर आती है थ्रू द टायर्स, एंड ऑल्सो जब आप किसी खराब सड़क से गुजर रहे हैं तो जो सस्पेंशन से थर्ड है यानी जो आवाज है सस्पेंशन से वो ट्रेवल करती है कैबिन में, ये भी थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है। एज शुप्रांशु सेड, जो सीट्स हैं अगेन वो कस्टमाइज की जा सकती हैं एंड यू कैन ऐड मोर कुशनिंग आफ्टर मार्केट लेके। सेंटर कॉन्सोल पे भी अगर आपको आर्मरेस्ट चाहिए वो भी आज के दिन आफ्टर मार्केट एक्सेसरी या मार्केट में आपको अवेलेबल है, तो आप गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट। बट दिस साउंड इंसुलेशन ये थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, मे बी बेटर टायर्स विल डू, बट नथिंग टू कंप्लेन अबाउट एंड नथिंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट ऑल्सो। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अ हिली सेक्शन, अरावली रेंज विच इज इन गुड़गांव, वहां पर गाड़ी को ड्राइव करेंगे एंड विल एंड आवर फ्यूल इकोनॉमी रन व्हाइल कमिंग बैक। देखते हैं टैंक टू टैंक एक्स्टर कितनी फ्यूल इकोनॉमिकल है। So 81.3 kilometers total driven distance, economy दिखा रहा है 16.9 kmpl, AC is still running और इसी के साथ अब fuel भरवाते हैं, देखते हैं क्या actual economy आई है गाड़ी की। टोटल डिस्टेंस ऑफ 81.3 किलोमीटर्स, सब सिटी की ड्राइविंग जिसमें मॉडरेट कंडीशंस थी, कुछ जगह पे ट्रैफिक जैम था एंड लास्ट में अरावली हिल्स के स्टीप इंक्लाइंस विद एसी रनिंग एंड थ्री पीपल ऑन बोर्ड। द टोटल फ्यूल कंज्यूम्ड इज 5.85 लीटर्स यानी 14 किलोमीटर पर लीटर इज द फ्यूल इकोनॉमी जो एक्स्ट्रा आपको दे देगी इफ़ यू बाई इट इन द AMT वेरियंट। डिसेंट एनएफ अगर ट्रैफिक कंडीशंस नॉर्मलाइज्ड हैं तो ये गाड़ी आपको 14-16 kmpl ज़रूर देगी, हाउएवर ऑन द हाईवे दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज। टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ Hyundai एक्स्टर्रा एंड द कार ओवरऑल। इफ यू वांट टू नो अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स और द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ इट, वी हैव ऑलरेडी अ सेपरेट वीडियो लाइव ऑन आवर चैनल दैट यू कैन गो एंड वॉच। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून, अंटिल देन प्लीज ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट्स।